विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इकबाल मैदान में आरिफ मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। संयुक्त संघर्ष मुक्ति मोर्चा के शमसुल हसन ने घटना के वीडियो पेनड्राइव के माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराए थे। तलैया पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। भोपाल की MP MLA कोर्ट ने तलैया थाने को पेनड्राइव की जाँच के आदेश दिए हैं। पेनड्राइव की जाँच के साथ आगे के प्रतिवेदन की बात कही है। पेनड्राइव की जाँच के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इंसिडेंट जो है 30/10/2016 का है। घटना जो है 30/10/2016 की है। वर्तमान विधायक श्री आरिफ मसूद जी और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नाम से 30/10/2016 को एक मंच बनाकर राजद्रोहात्मक बातें कही गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया माननीय प्रधानमंत्री महोदय और तत्कालीन पार्टी के विरुद्ध। उसके विरुद्ध हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह जी जो है इस केस को लीड कर रहे हैं। इनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष केस प्रस्तुत किया गया। केस प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने उस पेन ड्राइव की जांच के आदेश दिए हैं। बाकी मेहरबान जी, करीब 6 महीने पहले हमने एक केस दायर किया था। करीब 6 महीने पहले हमने ये केस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस समय हमें कहा गया है कि हमने मांग की थी कि तलैया थाने से हमें जो अपना वीडियो है वो हमें यहाँ पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, लेकिन तलैया थाना वालों का कहना था कि रिकॉर्ड का नष्टीकरण हो गया, 2016 का हम रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते। इस संबंध में हमने न्यायालय के समय ये बातें रखी कि अगर रिकॉर्ड का नष्टीकरण हो गया है तो जो हमने प्राइम आईडी दी है तो उसकी जाँच के आदेश दिए जाए। तो उसमें भी करीब न्यायालय ने 2 महीने का समय लगाया। 2 PC के बाद हमें ये आदेश 30/7 को आदेश दे दिया गया है कि जो न्यायालय में पेनड्राइव प्रस्तुत की गई है उसके जांच के आदेश दिए जाए और अपना तलैया थाने को संबंधित को भेजा जाए। नहीं, 2016 का हम लोग क्या सामाजिक संगठन संघर्ष मोर्चा चलाते हैं। 2016 की घटना है, इकबाल मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहाँ से अल्लामा इकबाल के तराने गूंजते थे। उस जगह पर, ऐसी जगह पर पूरे देश से मिल्ली काउंसिल के संगठित संस्था है मिल्ली काउंसिल, उसको लोगों को यहाँ बुलाकर हमारे जो परम आदरणीय विधायक जी है वर्तमान में, उनके द्वारा मंच लगाकर आप शब्दों का प्रयोग करना, सीधी सीधी मौलानाओं द्वारा गालियाँ देना, एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गालियाँ देना, तो वो हमें बुरा लगा था। उसकी सीडी वगैरह भी थी तो हमने शिकायत की। 2016 से मैं लड़ता चला आ रहा हूँ तो पुलिस हमेशा प्रेशर बनाती थी कि यार समझौता कर लो, ख़त्म कराओ। तो आज भी CM हाउस में पेंडिंग है केस। 4 बार मैं बयान दे चुका हूँ, 4 बार समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके उसकी सीडी भी पेश कर चुका हूँ। मुख्यमंत्री निवास ये कहता है कि इन पर केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन दर्ज नहीं हुआ। तो उसको लेके मैंने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर साहब और मैं